अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजिंग सा ट्यूटोरियल, और ये हेयर क्लिप का जो है ट्यूटोरियल पहले से मैं शेयर कर चुकी हूँ पार्ट वन में, और आज मैं ये फ्लावर जो है वो बनाना सिखाऊंगी और इसे अटैच करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm, और सेम कलर की मैंने वुल यूज़ की है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, स्लिप बनाएंगे, और सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। 1, 2 और ये देखिए 3 चेन बनाएंगे, और फर्स्ट की चेन से बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर से बनाएंगे 1 चेन और सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे इसके सेंटर से। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। Three, 4, 5, 6, 7 और 7 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कि देखिए इस तरह से, और स्टार्ट की चेन से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और बस 1 चेन बना के हम इसको कट करेंगे और इसको हम जो है वो अच्छे से टाइट कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाया है। अब हम जो नेक्स्ट कलर है वो लगाएंगे, तो जो कलर आप बनाना चाहते हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने ब्राउन जो है ये शेड लिया है, और ये भी सेम जो है वो 3-ply की वुल है। तो देखिए स्टार्ट में हम इसी तरह से स्लिप बनाएंगे, इस तरह से इसको स्टिच करेंगे ये देखें इस तरह से, और हम जो है वो चेन से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में। यहाँ से देखें सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, और अब हम बनाएंगे 2 चेन 1 और ये 2 चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन से। 1 और अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन से। 1 चेन बनाएंगे, और देखें यहाँ से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और फिर से बनाएंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया सेम चेन से। वन डबल क्रोशिया सेम चेन से। 1, 2 चेन और स्लिप स्टिच सेम चेन से, स्लिप स्टिच ये देखें इस तरह से। और नेक्स्ट चेन से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, ये देखें इस तरह से हम नेक्स्ट चेन से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से बनाएंगे 2 चेन
वन डबल क्रोशिया सेम चेन से, जहाँ से हमने जो है वो सिंगल क्रोशिया बनाया है तो सेम उसी चेन से हम बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट हम बनाएंगे वन ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट बनाएंगे वन चेन स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से बनाएंगे वन डबल क्रोशिया सॉरी वन ट्रिपल क्रोशिया, और फिर से बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, टू चेन बनाएंगे और सेम चेन से बनाएंगे स्लिप स्टिच, ये देखिए इस तरह से। और अब हम फिर से देखें नेक्स्ट चेन से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशिया, फिर से टू चेन बना के हम फिर से वैसे ही रिपीट करेंगे वन डबल क्रोशिया वन ट्रिपल क्रोशिया वन चेन स्लिप स्टिच, फिर से वन ट्रिपल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया और टू चेन बना के स्लिप स्टिच बना के नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में भी हम टू चेन बना के स्लिप स्टिच बनाएंगे और वन स्लिप स्टिच मैं बनाऊंगी जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ से। ये देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और बनाएंगे वन चेन और इसको कट कर देंगे। और ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे अच्छे से टाइट करके और एक्स्ट्रा धागा जो है उसको कट करेंगे। और इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे और UHU ग्लू के साथ हम इसको अटैच करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत हमारा क्रोशेट क्लिप जो है वो तैयार है। और ये था मेरा आज का अमेजिंग सा ट्यूटोरियल। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।